स्वागत है दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों हम आज एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे जो हर किसी को फेस करना पड़ता है, हर किसी के सामने ये प्रॉब्लम आ सकता है, आ चुका होगा। तो हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे क्या रहता है। हालांकि ये जो प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं इस टाइप का रहता है, जब आप किसी कांटे में वजन रखते हैं तो वो कुछ भी नहीं दिखाता, मतलब जैसे के वैसा कुछ भी नहीं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। देखिए यहाँ जीरो है तो कुछ भी चेंजेस नहीं, कुछ सेंस ही नहीं करता है। तो ये किस टाइप का प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ इसको ढूंढेंगे। देखिए सब कुछ है यहाँ, बाकी बटन काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वजन कुछ भी नहीं दिखाता है, कुछ भी नहीं, जीरो, जैसे कि स्टक हो गया है, जैसे कि हैंग हो चुका है कांटा। तो जानते हैं इसका सॉल्यूशन आगे कैसा होगा। तो हम इसको, मैंने आधा कांटा खोल भी लिया है, तो इसको पहले देखेंगे पूरा मदरबोर्ड के ऊपर। तो सबसे पहले आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है जो रहता है। इसका पहला जो सेंसर है उसका वायरिंग ठीक तरह से चेक कीजिए, किधर वायरिंग तो नहीं छोटा है, ड्राई सोल्डर तो नहीं है। उसके बाद में एक कंट्रोलर एप्रॉम जो रहता है उसको प्रेस करके देखिए, वो होने के बाद आप प्रॉपर जो लोड सेल है ये उसको पूरा चेंज करके देखिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा है, यहाँ तो पूरा ही बंद है, मतलब कुछ भी शो नहीं करता, कुछ भी जीरो हिलता भी नहीं, जैसे कि वैसा जैसे वैसा ही है। तो कहने का मतलब है आप ये शुरू में चीज़ें देखिए, दो चार चीज़ों को ध्यान में रखें। अगर इसमें सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है। अभी इसका प्रॉब्लम वो मैंने चेक करके लिया है, जो भी सेंसर है, वायरिंग है, सब सही, अपनी अपनी जगह पर सही है। तो मैं अभी डायरेक्टली इस ईप्रॉम को चेंज करने वाला हूँ, मैंने कांटा बंद कर दिया है हालांकि। तो चलिए इस कंट्रोलर को निकाल के डायरेक्टली मैं दूसरा कंट्रोलर बिठा देता हूँ, इसी टाइप का, इसी सिस्टम का, जो हालांकि मेरे पास ये मशीन है उसी का मैं इस कंट्रोल ले लूँगा और उसके अंदर डाल के देखूँगा। तो देखिए मैंने दूसरा कंट्रोलर ले लिया है और डायरेक्टली मैं, हालांकि कंट्रोलर चेक नहीं होता है, आपको दूसरा ही लेके लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है नहीं हो गई है। बहुत सारे पैरामीटर्स इसके अंदर रहते हैं, इस आईसी के अंदर, इस कंट्रोलर के अंदर फुल प्रोग्रामिंग रहता है। अगर कोई अंदर कुछ खराब हो जाता है, उसका फाइल, उसका कुछ भी रहेगा, सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है तो काम करना बंद हो जाता है। इसी का ही हिस्सा है वो आपको वजन नहीं दिखा रहा। चलो देखते हैं हम कांटा चालू करेंगे। देखिए मैंने कांटा चालू कर दिया है, कांटा चालू होने के बाद जीरो जीरो आ गया और मैं अब सेंसर को हाथ लगाऊंगा। देखिए तुरंत इसको सेंस करना चालू किया, जीरो है, मूवेबल हो गया है, पूरा हिलने डुलने लगा है, जो भी है रीडिंग दिखाने लगा है, सेंस होने लगा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सब ओके है, जो आपका वो कंट्रोलर ऐसे है प्रॉब्लम बोलते हैं तो इसी में ही फॉल्ट है। तो आपको खाली ये बदली करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है और कुछ चंद मिनटों में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हालांकि आपको ढूंढना तो पड़ेगा पहले शुरू में, उसके बाद ही इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि चलो ये भाई ये भी गया है। तो ऐसे इसी तरह से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।